हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन विद राजेश। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। प्रेस बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे SOB के बारे में और SOB का मेंटेनेंस और ट्रबल शूट कैसे करते हैं, उसका ब्लॉक का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, उसके प्लंजर का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है। देखिए, इसमें प्रॉब्लम हम दिखा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। जैसे हम जो है वो प्लंजर नीचे की तरफ खींच रहे हैं तो चेंज हो रहा है, फिर जैसे पुश कर, देखिए अभी क्या हुआ, रेड का रेड ही बना हुआ है। तो एक्चुअली इसका फंक्शन ऐसा होता है कि जब हम पुश करेंगे तो ग्रीन होना चाहिए, जब खींचेंगे नीचे की तरफ तो वो रेड हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि बार बार हम जो है एक दो एक या दो एक बार से ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है कि रेड का रेड कंटिन्यू बना रहा है। तो अभी हम वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए वोल्टेज एनर्जाइज है तो हमको 7 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जो कनेक्शन है हमारा, पावर जो है बार बार रिसेट करना पड़ रहा है। एक बार देखिए अभी खींचा रेड हुआ, फिर पुश किया तो देखिए अभी रेड ही बना हुआ है, एक्चुअली ग्रीन होना चाहिए। तो फिर जैसे हम ये पावर हटा के फिर लगाएंगे या रिसेट करेंगे पावर, तो फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। देखिए अभी नॉर्मल हो गया, ग्रीन कलर आ गया। तो इस तरह से इसका ये प्रॉब्लम है कि प्लंजर जो है खींचने पर और वो करने पर इसका जो इंडिकेशन है, इंडिकेटर जो है वो फंस रहा है। ठीक है, तो उस इंडिकेटर का जो है मेंटेनेंस हमें करना है। एक्चुअली प्रॉब्लम उसमें इंडिकेशन में है कि क्या है, वो एयर हम देखेंगे कि एयर सप्लाई हमको बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो भी हम खोल के चेक करेंगे। और साथ में इसके साथ साथ देखेंगे क्या क्या ट्रबल शूट इसमें कर सकते हैं। तो ये पूरा जो है इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। देखिए ये प्रॉब्लम्स, अभी देखिए हमने ब्लॉक को खोला और देखिए इसका हम स्प्रिंग जो है निकाल रहे हैं, उसका बॉल भी निकालेंगे। कम्प्लीटली जो है वो जो भी हमारा प्लंजर का जो है पार्ट्स है पूरा ओपन करेंगे, एक एक पार्ट्स हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद जो है उसका पूरा क्लीनिंग वगैरह किया जाएगा। देखिए अभी हम खोल रहे हैं, एलन बोल्ट है ये, एलन बोल्ट से निकाला। ये देखिए हमारा जो है पूरा कंप्लीट सेट जो है बाहर की तरफ निकाल दिया हमने और उसका जो है पूरा, एक्चुअली ये जो है वेंडर के हिसाब से जो है ऑलरेडी मशीन से कंप्रेस्ड किया हुआ रहता है, लेकिन मेंटेनेंस हम लोग कर रहे हैं खुद से। देखिए पूरा हमने जो भी है उसका स्प्रिंग निकाला, ये बॉल निकला। बॉल निकालने के बाद जो है पूरा कंप्लीट क्लीनिंग किया जाएगा। कंप्लीट क्लीनिंग करने के बाद इसका हम फिर से असेंबल करेंगे। देखिए ब्लॉक और भी हम देख दिखा रहे हैं, ये ब्लॉक और स्प्रिंग हो गया और दूसरे तरफ से ये देखिए ये दिख रहा है, इसी में जो है बॉल और स्प्रिंग रहना है। और ये जो स्टेम की तरफ दिख रहा है ये एक हाउसिंग अरेंजमेंट में रहेगा। ये देखिए जो हम खोल रहे हैं एक तरफ है और इसे ओरिंग वगैरह कट जाने से भी हमारा जो है एयर लीकेज वगैरह होता रहता है, जिसके वजह से जो है देखिए अब ये अंदर से निकलेगा कंप्लीट सेटअप। ये जो है ऑलरेडी मतलब एक्चुअली एज पर वेंडर जो है ये मशीन से जो है कंप्रेस्ड करके बैठाया जाता है। ये हमें मतलब खुद से मेंटेनेंस नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग खुद से कर रहे हैं, क्लीन वगैरह करके लगाएंगे। हालांकि काफ़ी सही चलता है क्लीन करने के बाद। और भी SOB वगैरह का हम ऐसे मेंटेनेंस किए हैं, तो प्रैक्टिकली ये हम दिखा रहे हैं कि जो है ऐसे ऐसे करने से जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। लेकिन एक्चुअली देखिए ये पूरा कंप्लीट सेटअप है, इसमें आपको जो ओरिंग वगैरह दिख रहा है, ब्लॉक दिख रहा है, राउंड ब्लॉक, और ये इसी में जो कंप्लीट फिक्स किया जाता है। ये सेटअप ऐसा है। देखिए अब यहाँ जो है हम इसका इंडिकेशन भी जो है बाहर निकाल रहे हैं। इंडिकेशन बाहर निकालने के बाद जो है देखेंगे ये कैसे पुश करने पे अच्छा चेंज हो रहा है, वो पुश कैसे होगा। यहाँ जो है एयर बराबर निकल रहा है, देख सकते हैं आप लोग कैसे एयर कैसे निकल रहा है। तो मतलब एयर देखिए एयर अभी क्या हुआ, फिर ऊपर से छोड़ तो क्या हो रहा है, इसका मतलब वाइज एक बार ही पिक कर रहा है क्या? हाँ एक ही बार पिक कर रहा है, ऐसा क्यों? लेकिन ये तो प्रॉब्लम कॉइल का है इसका, तो लगाओ तो लगा के रखो। अच्छा आप देख सकते हैं कैसे कॉइल चेंज करने के लिए कॉइल का ही इशू आ रहा है यहाँ पे। देखिए अभी ये जैसे फिक्स कर रहा है तो सही हो जा रहा है, कनेक्शन हटा के फिर लगा रहे हैं तो रिसेट कर रहे हैं तो सही हो जा रहा है। इस तरह से जो है हमने आइडेंटिफाई किया कि जो है जो प्रॉब्लम्स है कॉइल का, देखिए कॉइल ही पिक नहीं कर पा रहा है, नहीं तो इंडिकेशन जो है हमारा सही चल रहा है। इंडिकेटर अच्छे से जो है चेंज ओवर ले रहा है,
तो इंडिकेशन में कोई इशू नहीं है। अभी देखिए हम जो है इसका कॉइल जो है मतलब फाइनली हम इस एनालिसिस पे पहुंचे हैं कि जो हमारा कॉइल का प्रॉब्लम है। तो अभी फिर हम इधर असेंबल कर रहे हैं, असेंबल करके और इसको जो है एज इट इज अब इसके प्लेस पे जो है बॉक्सअप कर देंगे। इसको देखिए लगाने के लिए भी जैसे हमने निकाला था वैसे वन बाय वन करके पूरा कंप्लीट लगाएंगे। असेंबल करने के बाद जो है हम सेम प्लेस पे जो है फिर एज इट इज बॉक्सअप कर देंगे। एक एक करके देखिए, पहले वो आपको वाइट कलर का दिख रहा था एक तरह से, अभी उसके बाद देखिए फिर लास्ट में भी ये वाइट कलर का वो है अपना डंबल है, मतलब एक तरह से राउंड शेप में से देखिए दोनों तरफ से ये उसका है रबर एक तरह से आप बोल सकते हैं कि प्लास्टिक टाइप का है, और बीच में जो है एसएस का वो ब्लॉक बना हुआ है जिसके अंदर जो है हमारा स्टेम जो है अप एंड डाउन होता है और वो एयर का पासिंग किया कराता है उससे। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो है अभी वही जो है जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है वही नीचे की तरफ खींचने से क्या होता था कि हमारा चेंज ओवर लेता था, मतलब जो है एयर का पासिंग दूसरे तरफ से, मतलब एक तरह से एयर का पासिंग ब्लॉक करने के लिए और एयर जो है पास कराने के लिए ही वो जो असेंबली दिया हुआ है उसी पर्पज से है। देखिए अभी हमने वो बॉल को डाल दिया, फिर इसके बाद जो है ये अपना स्प्रिंग लगा दिए। स्प्रिंग लगाने के बाद कंप्लीट ये हमारा हो गया। अभी हम एलन बोर्ड से जो भी एलन की है सब टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद जो है फिर फाइनली ये जो है पूरा असेंबली करते हैं। देखिए एक्चुअली ये है कि इसका बहुत मेंटेनेंस जो है थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन जो है अगर आप अच्छे से करेंगे तो बहुत ईजी भी है, कर सकते हैं। अब यहाँ जो है हम एक अपना जो है सभी जितने भी एलंकी हमने खोले थे सभी एलंकी को जो है लगा करके फिक्स करके टाइट कर देंगे। ये देखिए टाइट कर रहे हैं एक एलन बोल्ट को। ऐसे जो है इसका हम रिपेयर और मेंटेनेंस करते हैं दोस्तों। और दूसरा जो है हमने ट्रबल शूट भी किया। देखिए देखा आपने कि जो है प्रॉब्लम इसमें नहीं पाया हमने। प्रॉब्लम किस में पाया कि जो है कॉइल ही एक बार केवल हर बार पिकअप कराने के लिए कॉइल को रिसेट, मतलब पावर को रिसेट करना पड़ रहा है कॉइल के, तो इस तरह से प्रॉब्लम वहाँ से था। लेकिन हमने इसका भी जो है आपको ट्रबल शूट इस वीडियो में दिखा दिया कि कैसे कैसे इसका ट्रबल शूट करते हैं। देखिए अभी स्क्रू से जो है कम्प्लीट टाइट कर देंगे। ब्लॉक टाइट होने के बाद जो है इसको इसके प्लेस पे होल से मैच करके, देखिए बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है कि होल से होल मैच करके फिर हमको उससे ब्लॉक पे जो है इस ब्लॉक को लगा देना है। लगाने के बाद जो है फिर कंप्लीट ये हो गया, मतलब कि जो है यहाँ हमको कोई प्रॉब्लम नहीं मिला। तो फिर हम जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे जो है फिर एयर को जो है हम चार्ज करेंगे और देखेंगे कि रियलिटी मतलब प्रॉब्लम इससे सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम तो पहले ही हमने दिखा दिया कि प्रॉब्लम इससे सॉल्व नहीं हुआ। देखिए अभी भी जो है रेड इंडिकेशन ही रह रहा है, उसको ग्रीन होना है लेकिन ग्रीन नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो है नया कॉइल लेंगे, कॉइल चेंज करेंगे और फिर देखेंगे कि सही हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, देखिए ये दोस्तों हमारा कॉइल है, कॉइल लिया हमने। अभी नया कॉइल लेने के बाद आप देख सकते हैं कि कॉइल लगाने के बाद जो है कनेक्शन दिया, तो अभी हम जैसे प्लंजर को पुश कर रहे हैं तो ग्रीन हो जा रहा है, पुल कर रहे हैं तो रेड हो रहा है। देखिए पुश किया ग्रीन हुआ, पुल किया रेड हुआ, ऐसे जो है चेंज ओवर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। देखिए पुल पे आपका जो है रेड हो गया, फिर पुश किया तो ग्रीन हो गया, ऐसे चेंज ओवर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व। Thanks for watching Instrumentation with Rajesh. Please like, subscribe and share my YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get notification of my upcoming videos. Thank you.